मणिपुर में जारी हिंसा के बीच पुलिस, असम राइफल्स और सेना बड़े ऑपरेशन लगातार चला रही है। संयुक्त ऑपरेशन में लगातार सुरक्षा बलों को भी एक एक करके कामयाबी मिलती जा रही है। अब साझा तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को हथियार, गोला बारूद के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना ने असम राइफल और मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान इम्फाल पूर्वी जिले से हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। पूरे इलाके में सघन ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी तलाशी के दौरान दो संदिग्ध मिले, उनके पास से हथियार भी पकड़े गए। उनके पास से 5 हथियार, 2 देशी निर्मित हथियार, बड़ी मात्रा में मिश्रित गोला बारूद और दूसरे युद्ध जैसे भंडार मिले। गिरफ्तार लोगों से बरामद सामान के साथ इम्फाल के पूर्वी जिले के हेईनानांग पुलिस स्टेशन को सुरक्षा बलों ने सौंपा है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मणिपुर की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई चिंताजनक रही हैं। सेना ने बीते दिनों ही वीडियो जारी करके बताया था कि कैसे सुरक्षा बलों के काम में रोड़ा अटकाने के लिए महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार सुरक्षा बल शांतिपूर्वक तलाशी अभियान कई इलाकों में कर रहे हैं और दंगाइयों को और उग्रवादियों को पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन लगातार ये दंगाई और उग्रवादी महिलाओं को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में लगातार दंगाइयों के फायरिंग करने के बाद उन्हें बचाने की कोशिश की जाती रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे दंगाई अपने साथ साथ महिलाओं का कॉन्वॉय लेकर चल रहे हैं, ताकि जैसे ही वो हिंसा को अंजाम दें, उन्हें बचाने के लिए महिलाएं आगे आ जाएं और सुरक्षा बल उनको गिरफ्तार न कर पाएं। ये एक चिंताजनक बात है। मणिपुर को लेकर लगातार देश भर से शांति की अपील हो रही है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।